शहर के ऑटो चालक प्रशासन की सख्ती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को विधायक राजेश सोनकर ने रेसिडेंसी कोठी में कलेक्टर निशांत वरवड़े और ऑटो चालकों के साथ इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठक की। गौरतलब है कि डीपीएस हादसे के बाद प्रशासन ने ऑटो चालकों पर सख्त रुख अपना लिया है। ऑटो चालक इस बात का विरोध कर रहे हैं और शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर प्रदर्शन जारी है। लेकिन आप लोग की जो व्यवस्था चल रही थी वो आज से नहीं है, दो तीन साल से चल रही थी मेरे ख्याल से, और पहले चला रहा था। मेरा सर ये पॉइंट है कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में बैठ के आप विचार करें। बस एक ही विकल्प है, दो घंटे के लिए मिल जाता है तो उसके लिए फिर सरकार के पास भी नियम बनना कलेक्टर कार्यालय से आरटीओ कार्यालय से इसका नियम नहीं बनता है, क्यों आरटीओ साहब नहीं बन पाएगा।